iPhone SE 4, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन आपको 2023 में iPhone 15 के लॉन्च होने से पहले ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा iPhone SE 4। बेसिकली जो स्मार्टफोन में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी प्रीवियस मॉडल से, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको मेजर इंप्रूवमेंट जब हुआ डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस, इवन स्मार्टफोन की बैटरी चार्जिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक प्लान करें न्यू स्मार्टफोन iPhone की तरफ से लेने वाला iPhone SE 4, तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर बात करें तो मेजर इंप्रूवमेंट्स हमें क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी लीक्स निकल कर आ रही है कि ये स्मार्टफोन में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आईफोन 15 लाइनअप में भी देखने को मिलेगा। बट आईफोन 15 की लाइनअप के लॉन्च होने से पहले हमें iPhone SE 4, जो कि आपको मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में देखने को मिल सकता है, जिसमें कारण यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप सी पोर्ट वाला आईफोन हमें देखने को मिलेगा iPhone SE 4। बेसिकली टाइप सी पोर्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेंगे चार्जिंग स्पीड में भी। चार्जिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो आपको 20 वाट्स तक की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड हमें देखने को मिलती है, बट अगर हम कंपेयर करें टाइप सी पोर्ट में आपको मैक्सिमम 40 वाट्स तक ही हमें चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिल सकती है, जो कि बैटरी चार्जिंग वाइज आपको बहुत ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें चिपसेट वाइज हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, वो है कि इस बार आपको A16 चिपसेट देखने को मिल सकती है, बट वो कंफर्म नहीं है कि हमें देखने को मिले या फिर नहीं, शायद देखने को मिल सकती है, बट अगर कंपेयर करें 90% जो हमें चांसेस है वो आपको A15 के ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सेम चिपसेट आपको iPhone 13 और iPhone 14 में भी देखने को मिलती है, A16 चिपसेट आपको डेफिनेटली iPhone 14 Pro सीरीज में देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर iPhone SE 4 एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। यहाँ पर इसी कारण यहाँ पर आपको A15 चिपसेट देखने को मिल सकती है। कैमरा क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, शायद इस बार आपको सिनेमैटिक मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको 1x तक का देखने को मिल सकता है कैमरा क्वालिटी में, और 12 MP का ही कैमरा देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कैमरा क्वालिटी वाइज आपको ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग करने की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस मॉडल में भी आपको बिल्कुल सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको आईफोन 13 में देखने को मिलते थे, जहां पर आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं फोटोग्राफी मोड्स। इस बार आपको आईफोन 14 में वे भी सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको iPhone SE 4 में सिनेमैटिक मोड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्प्ले ओवर डिवाइस, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि इस बार आपको नॉच पैनल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको iPhone 15 में इस बार कोई भी नॉच पैनल नहीं देखने को मिलेगा, डायनेमिक आइलैंड का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको नॉच पैनल डेफिनेटली iPhone SE 4 में देखने को मिल सकता है इसी कारण से। डिस्प्ले वाइज अगर हम देखें तो 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, डिज़ाइन में इसका आपको iPhone XR जैसा देखने को मिल सकता है। सो क्या ये स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिकनेस वाला हमें स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। काफी आपको इंटरेस्टिंग लीज इस स्मार्टफोन की और भी आ सकती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यदि हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट भी करना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।